नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश में अचानक नोटबंदी की घोषणा कर दी थी। उस समय लोग एकदम स्तब्ध रह गए और अब जब नोटबंदी को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं तो इस पर व्यापारियों, आम मजदूर, कारीगर, दुकानदार व विद्यार्थियों के अपने अपने मत हैं। सभी ने अपने 2 साल के तजुर्बे के अनुसार अपने विचार व्यक्त किए। शहर के हैंडलूम 2 व्यापारियों का मत है कि नोटबंदी के वक्त कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पहले की तरह लाइन पर आ गया। उनका कहना है कि अब इस समय व्यापार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक नकदी का सवाल है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर काम एक नंबर में चेक से होता है, पक्के बिल से माल बेचते हैं। उस टाइम दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत उस टाइम पे, दिक्कत उठाई लोगों ने, लेकिन आज सब लाइन पे आ गया, काम सब लाइन पे आ गया, सही है। बाकी अब नोट का काम ही कम बंद हो गया था, ज्यादा काम चेक से होता है, नहीं काम चेक से ठीक है, नोट गिरने की जरूरत नहीं, अब ना नोट गिनो ना लो ना दो, चेक से काम करो सारे, बस फटाफट अपने बस। उस टाइम ऐसा है, दिक्कतें बहुत आई, गरीब तबके को ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन आज की डेट में किसी को लगभग मेरे आईडिया में कोई दिक्कत नहीं। अब तो काम बिल्कुल सही सिस्टम में चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात हमें तो दिखाई देती नहीं। कई बार बात आती है बैंकों में नकदी की कमी है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात आई नहीं, बैंक में कब भी गए हैं, पैसे मिले हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो हमारे सामने तो आई नहीं। आज तो कोई दिक्कत है नहीं है, आज तो सब काम पक्के में हो रहा है, चेक से हो रहा है काम, काम सर कच्चे काम ही खत्म हो गया। फील्ड में घूमते हो आप, क्या आपको लगता है? नहीं ठीक है, अब तो काम सारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। कच्चे का काम ही नहीं खत्म हुआ, पक्के में बिला रहे, पक्के में चेक जा रहे, कच्चे का काम ही नहीं हो रहा, कोई 10-2000% हो रहा हो तो हो रहा, नहीं तो 99% तो पक्के में हो गया काम सारा। वही कुछ छोटे कारोबारी आज भी मानते हैं कि व्यापार अभी भी लाइन पर नहीं आया है, आज भी वो लोग परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे हालात नोटबंदी से पहले थे अब नहीं है, व्यापार की हालत अच्छी नहीं है। सेट नहीं हुआ जी बिजनेस, इस हिसाब से जो नोटबंदी हुई थी अभी तक सेटिंग नहीं हुई कुछ भी, व्यापार चल नहीं रहे खुल के, नोटबंदी ने ऐसा काम खराब कराया, उसके बाद GST लग गई, उसने भी काम खराब कर दिया सारा, बिजनेस सही नहीं चल रहे हैं, बिजनेस में बहुत नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदे वाली बात नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हो रही हैं, बिजनेस खुल के नहीं चल रहा जैसे खुल के चल रहा था पहले। जब इस बारे में स्टूडेंट से बात की गई कि नोटबंदी का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, तो इन 2 सालों में उनका कहना था कि उन पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका काम पढ़ना है और फीस वगैरह मम्मी पापा पे करते हैं। उन्होंने मम्मी पापा को कुछ असर दिखाई देता होगा तो अलग बात है, लेकिन उन्हें तो लगता है कि नोटबंदी हुई ही नहीं। 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, तब तो लगा था कि कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ, पर एज अ स्टूडेंट हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारी फीस जानी होती है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, वो मम्मी पापा ने पे करनी होती है, हमें इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तब लग रहा था कि कुछ मतलब एकदम से नोटबंदी हुई है तो फर्क पड़ेगा, पर अब धीरे धीरे अब तो कुछ पता ही नहीं है कि नोटबंदी हुई भी है। वालों को क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा नोटबंदी का। नोटबंदी को लेकर युवा वर्ग का कहना है कि छोटे मोटे रोजगार मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बड़े रोजगार नहीं मिल पा रहे। रोजगार जो है ना, रोजगार छोटा मोटा रोजगार तो मिल सकता है, लेकिन अच्छा रोजगार अगर चाहे तो वो नहीं मिलता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वह एक्सपर्ट व बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि नोटबंदी जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी वो पूरा नहीं हुई, काला धन निकला लेकिन बाहर नहीं आया, जो टारगेट रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, हम हर साल 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने 20,000 को दिया तो मुझे बता दो, आप हरियाणा में आ जाओ, चिल्ला चिल्ला कह रहे इतनी भर्ती निकल गई, इतनी अगर निकली है, भर्ती हो भी रही, पारदर्शिता भी है, पहले भी थी, हर पॉलिटिकल का पार्टियों का अपना अपना अलग अलग दावा होता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जनता ने एक पार्टी को जनादेश दिया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, वो जनता की सेवा करने के बजाय अगले 5 साल और राज करने की मनसा दिल में पाल के काम करना शुरू कर दे, वो सिर्फ पॉलिटिकल गतिविधि करते हैं, धरातल पर वर्क नहीं करते। नोटबंदी को भी पॉलिटिकल गतिविधि मानते हैं? पॉलिटिकल गतिविधि आज जब लोगों को लगा हाँ बहुत बड़ा कदम है, लेकिन रिजल्ट क्या रहा इसके बताओ, रिजल्ट क्या, जीरो।
जितना पैसा है कहते निकल जाएगा, ब्लैक मनी निकल जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या खत्म होगा बताओ? और स्थिति गड़बड़ाएगी, इसके बाद गड़बड़ाती ही जा रही है। किसान है वो रो रहा, एम्प्लॉई है वो रो रहा, आम आदमी है वो रो रहा, फिर बच क्या गया?